संगीत इस दुनिया में खुदा की सब तो खूबसूरत बख्श है, तो वह लोग बहुत खुशकिस्मत ने जिन्होंने खुदा ने इस चीज़ इस खूबसूरत संगीत नाल नवाजे है। उन्होंने खुश नसीब लोग नूरा सिस्टर्स भी ने, वो इस वेले मेरे नाल मौजूद ने। वेलकम टू डीएन नाइट न्यूज़। थैंक यू जी। सब तो पहला जानना चाहवांगे इस तुहाडे जिहड़े दादे पर तुहाडे खानदान च जिहड़ी गान दा जिहड़ा परंपरा हो रही है, ते तुहाडी गान दी शुरुआत किस तरह? मैं जी 7 साल दी सी और मेरे छोटे सिस्टर 5 साल दे सी। जिस टाइम असीं गाना शुरू किया, असीं बहुत छोटे छोटे सी, अपनी फ्रेंड्स दे नाल गा रहे सी, खेड रहे सी, और सिर्फ इक्को लाइन याद सी सानू, बीबी जिहड़े साडे परनानी सी उन्हां दा नाम बीबी नूरा, उन्हां दी लाइन सानू याद सी, सूफी कलाम बाबा बुल्ले शाह जी दा कलाम सी, उसी कुल्ली विचों नहीं यार लभला, सिर्फ यही लाइन याद सी। तो असी गा रहे सी और सुन के पापा ने बहुत अच्छी तरह सुनिया, सुन के सानू आवाज़ दी बेटे और सुरां दे नाल कहिंदे रिदम दे नाल गाओगे, जदों गाया बिल्कुल परफेक्ट सी, सही सीगा। और उस टाइम तो सानू पापा ने गाइड करना शुरू कर दिता, फिर तुहाडे वर्गे भरावां दा और लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पोंस मिलना शुरू हो गया, और अज ताईं देखो इन्ना रिस्पोंस मिलता और सानू भी खुशी इन्नी ज़्यादा होंदी है कि इदां ही सानू सारी उम्र लोग साडी गायकी नूं पसंद करन, प्यार करन, और वड्डियां दा आशीर्वाद रहे सारी उम्र साडे हाथ। मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा ज्योति, तुहाडे कोलों पुछना चाहना, जब तुसीं संगीत सीख रहे सीगे ते तुहाडे जिहड़े वालिद साहब है तुहाडे बाने तुहानूं संगीत दी तालीम दित्ती है, ते तुसीं की सीखिया जदों सीखदे सी, किन्नी तुहाडी डेडिकेशन हुंदी सी, ते तुहानूं पता सी अग्गे जाके तुहानूं इन्नी मकबूलियत हासिल होएगी? असीं जी पहलां तां असीं 4 बजे उठ जांदे हुंदे सीगे, तो फिर पापा सानूं साह दा रियाज़ करवाउंदे सीगे, तो जदों असीं साह दा रियाज़ करना फिर पापा ने 8-10 वारी साह लवाना, फिर उस तो बाद पूरी सरगम का रियाज़ करते से असी, फिर सरगम करके एक असी बंदिश गाते सी जी, मैंने बंदिश दे जी लफ्ज़ याद नहीं, तो बहुत मेरे पापा ने सानू गाइड किया और थोड़े सामने जरूर रूबरू होए जी असी जी। थोड़ी कई एल्बम्स हुई है, थोड़ी पहचान बनी है, मकबूलियत हासिल हुई है, हाँ जी सब। उस तो बाद जिंदगी किस तरह बदली है? अज जब तुम कि शो कर जाने हो या अपने शहर से निकलते हो, किस तरह रिस्पॉन्स मिलता है, की कहते हो? असी जी जिते भी शो कर जाने, चाहे वह इंडिया च है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे विदेश च है, जिते भी शो करीदा और लोगों का इन्ना ज़्यादा प्यार मिलता सानू, सानू बिल्कुल विश्वास नहीं कि विश्वास है भी नहीं सी, और सानू बिल्कुल पता भी नहीं सीगा कि साड़ी गायकी नूं लोग पसंद करनगे जिदा की असी गायकी गाने हैं। और जदों असी विदेश गए, कैनेडा गए, कैनेडा के वक्त वक्त शहरों से असी शो किए, लोगों नूं इन्ना वधिया लगा साड़ी सूफी गायकी, लोगों नूं पसंद आई, अच्छी तरह सुनिया, सानू भी बहुत खुशी हुई कि सुनने वाले सानू जिहड़े सुनने वाले खास स्रोते आ वो है अजे, और इत्थे भी लोगों का बहुत रिस्पोंस प्यार मिल रहा, थोड़े वर्गे वीर का अजे भी रिस्पोंस प्यार मिल रहा, और असं यही चाहवांगे कि असी भी चंगा गाइए, जिहड़े गाउण वाले साढ़े वीर है सिंगर भरा जिहड़े वह भी चंगा गाउण, चंगा देखण, चंगा दुनिया नूं सुनाउण, अपने कल्चर नूं रख के सारा अच्छे काम करन, जिहड़ी सारी फैमिली बैठ के सिर उच्चा करके देख सके, सिर झुका के जी। अच्छा तुसीं अपने म्यूजिक के सफर बारे कुछ दस सकते हो, किन्नी एल्बम्स आई हैं, किस तरह मकबूलियत हासिल हुई, उस सफर बारे छोटा जिहा सकी? असी जी दूरदर्शन के तो काफ़ी शो किए, पर जी सा जेठी एल्बम जी ततड़ी साढ़े अमृतसर तो मियाँ बख्तावर जी तरन तारण तो उन्होंने सारा मैटर जी आ जा व्या जा माही ततड़ी के वेड़े तो जी सा जेठी एल्बम हूँ असी अपनी एल्बम तैयार कर रहे हैं, और शायद असी दसंबर में रिलीज़ करिए, तो उम्मीद सारियां नूं पसंद आएगी। तो कोई तो बॉलीवुड गाने का कोई प्लैन है हो जा कुछ? जी है प्लैन जी, असी साड़ियाँ तो मतलब जी साढ़े तो सपने यही है कि असी प्लेबैक सिंगिंग करांगे हिंदी फिल्म च और पंजाबी फिल्म च, बस जी। अच्छा कहते हैं कि हर कलाकार संघर्ष के पलों चो गुजरना पैंदा है, तुसी भी संघर्ष के पल देखे ने, वो जब याद आते हैं या तुसी साढ़े नाल कुछ पल कुछ सांझे कर सकते हो? हाँ जी, मैं जी थोड़े नाल सिर्फ कहते ना कि छोटी जी गल करना चाहनी है, मैं ज़्यादा गल नहीं करूँगी, असी आप भी इमोशनल हो जाने, तो साढ़े हालात इदा के सी, साढ़े को एक गिलास तक नहीं सी हुंदा जी, और अज रब की और थोड़े वीर की वड्डियां की इन्नी मेहर है कि सारा कुछ कर रहा है, गड्डी भी है और थोड़ा महीना होया जी, हाँ जी महीना, अच्छा हाँ जी, और 2 महीने मेरा ख्याल घर कितने हो गए, पहला असी दानिशवान का रेंदे सी, हूँ असी नकोदर रोड पर आ गए हैं, साडा एड्रैस है जी खुरला खिंगरा टावर टाउन, और घर का नंबर 86 है जी,
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੁਰਗਾਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਦੀਪ ਪਿਤਰਾ, DNNight ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।